हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का वेजेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आता है वो। अभी हम लोग टाइम एंड वर्क की सीरीज और डीआई की सीरीज साथ में लेके चल रहे हैं। टाइम एंड वर्क का अभी ये दो पार्ट अभी वेजेस से रिलेटेड आने वाला है, जो दो पार्ट हमारा बेसिक्स होगा। टाइम एंड वर्क के बाकी बेसिक्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, जिनको आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारा वेजेस का दो पार्ट जब अपलोड हो जाएगा तो इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क में हम लोग मिसलेनियस सवालों को देखेंगे, जो कि मॉडरेट लेवल के होंगे, जिसमें अक्सर हम लोग फंसते हैं। आपने अगर बेसिक समझ लिया है तो आप बेसिक्स की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद फिर हम लोग मॉडरेट लेवल पे भी आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग हाई लेवल पे भी आएंगे, ठीक है। तो एक धीरे धीरे स्टेज बढ़ेगा हम लोगों का, लेकिन वेजेस तक आप करके एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, फिर मैं आपको थोड़ी मॉडरेट सवालों की ओर भी लेके चलूंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। और हमारा सेशन में समझने से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज सीधा से भी यहाँ पे समझा दूँ कि वेजेस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सिंपल सा एक चीज समझो, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि वेजेस क्या है, सिंपल सा मैं एक बात बोलूँ यहाँ पे कि तुमने अपने घर पे दो बंदों को एक दीवार बनाने के लिए लगाया, इतनी बड़ी दीवार बनानी है, ठीक है, ये मान लो तुम, या तुम्हें कुछ भी इतना बड़ा काम करवाना है, ठीक है। अगर इस ए वाले बंदे की काम करने की क्षमता अलग अलग अगर हम देखें, अगर ए वाले बंदे की काम करने की क्षमता मतलब क्या, इफिशियंसी अगर ज्यादा है बी से, तो तुम इसे क्या दोगे, ज्यादा पैसा दोगे, ठीक है, तुम इसे क्या दोगे, ज्यादा पैसा दोगे। सिंपल सा सबसे पहले ये समझो कि अगर किसी की इफिशियंसी ज्यादा है तो उसे क्या मिलता है, ज्यादा पैसा। तो हम अगर ज्यादा अच्छा है तो क्या हो जाएगा, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ के बाद समझो, यहाँ के बाद मेन मोटो क्या है हमारा समझने का, कि जब उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, अब ये दोनों को मैंने लगाया ये काम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बी कम इफिशियंट है, कहानी के रूप से समझो, बी कम इफिशियंट था, ठीक है, तो वो क्या किया, सिर्फ दो दिन तक काम किया, ठीक है, उसने क्या किया, दो दिन तक काम किया। और ए ने कितना दिनों तक काम किया, मतलब पूरा दिन, लेट से 8 दिनों तक काम किया पूरा, ठीक है, ए ने टोटल 8 दिनों तक काम किया और उसमें से बी ने 2 दिन तक काम खत्म, ठीक है, 8 दिन में काम खत्म हो गया। उस 8 दिन में बी की भागीदारी सिर्फ 2 दिन की थी, लेकिन शुरू से मतलब बी का कार्यक्रम जो था वो बी ने क्या किया था, पहला दिन काम किया और अंतिम दिन काम किया, ठीक है, मतलब बी ने फर्स्ट डे एंड 8th डे काम किया। तुम्हें पैसा काम के अंत में ही देना, तुम्हें ये चीज मालूम है कि बी ने सिर्फ 2 दिन तक काम किया है, जो कि पहला दिन और 8वां दिन है, ठीक है, सिर्फ 2 दिन, पहला और 8वां, नॉट 8, 8वां दिन, ठीक है। और ए ने जो काम किया वो पूरा पूरी 8 दिनों तक काम किया, ठीक है, तो तुम जो पैसा दोगे वो ए को तो तुम 8 दिन का दोगे, क्या बी को भी 8 दिन का दोगे, नहीं, तुम बी को कितने दिनों का दोगे, बी को तुम सिर्फ 2 दिनों का दोगे, ठीक है। अब सिंपल सा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, कि तुम पैसा कैसे दोगे, तो तुम्हारे दिमाग में यही चीज आएगा, तुम यही एक लाइन वहां पे बोलोगे कि जो जितना अच्छा काम करेगा उसको मैं उतना पैसा दूंगा। क्या बोला तुमने, जो जितना अच्छा काम करेगा तुम उसी हिसाब से क्या करोगे, पैसा दोगे, मतलब जिसकी इफिशियंसी जितनी होगी तुम उसी हिसाब से क्या करोगे, पैसा दोगे, ठीक है, मतलब जिसकी इफिशियंसी जितनी होगी और जितना दिन तक वो काम करेगा तुम उसी हिसाब से क्या करोगे, पैसा दोगे। बन गया फॉर्मूला आसान भाषा में, एकदम सिंपल, ठीक है, मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। जितनी जिसकी इफिशियंसी गुने समय किया तो क्या निकल के आ गया, हमारा वेजेस निकल के आ गया। अब तुम्हें एक चीज मालूम होगा, मैंने प्रीवियस सही कई सेशंस में बता रखा हूं मैं, इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है वो हमारा टोटल वर्क भी होता है, मतलब कभी कभी जितना वेजेज होता है उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, टोटल वर्क के रूप में ट्रीट करेंगे, ठीक है, ये चीज को खास करके ध्यान रखना कि कभी कभी हम लोग अपने सवालों को आसान करने के लिए जितना वेजेज होगा हम लोग उसको कैसे ट्रीट करेंगे, टोटल वर्क की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। बस यही एक फॉर्मूला जो है तुम्हें ध्यान रखना है कि इफिशियंसी में समय गुना हो गया तो वो क्या हो जाता है, वेजेज। अब एक चीज यहाँ पे सीधा सीधे ध्यान में रखो कि अगर ए ने भी 8 दिन तक काम किया और बी ने भी 8 दिन तक काम किया तो मतलब क्या हो गया, दोनों ने समान समय तक काम किया, तो ये टाइम क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है।
अगर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो इफिशियंसी और वेजेस में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा ना, इफिशियंसी अगर ये भैया कांस्टेंट है तो इफिशियंसी और वेजेस में कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्ट, मतलब जिस रेशियो में इफिशियंसी होगा उसी रेशियो में क्या होगा, वेजेस भी बढ़ेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है वेजेस के लिए, इसके अलावा वेजेस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखो, पहला हम लोग का क्या बोल रहा है, पहला सवाल क्या है, बोल रहा है अजय एंड विजय अंडर टूक टू पीस अवर 4 रुपीज 480। अजय और विजय ने किसी काम के लिए 480 रुपए में ठेका ले लिया। अगर अजय अकेले कर रहा होता तो कितने दिन लगते? 75 डे। वाइल विजय अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। विजय अकेले करता तो कितने दिन लगते? 40 दिन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रदीप, प्रदीप की सहायता से, मतलब अजय और विजय अगर प्रदीप की सहायता ले तो यही काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 25 दिन। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ये 480 जो टोटल वेजेस होता है, ठीक है, टोटल वेजेस जो होता है वो टोटल वर्क के बराबर होता है। तो या तो तुम यहां से टोटल वर्क खुद से मान लो या फिर टोटल वर्क निकाल लो। ज्यादा आसान, अगर कटने में दिक्कत हो रही है तो हम लोग मान लेंगे, 600 मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब यहां से सिंपल सा 75 से तुम 600 को काटोगे तो ये 8 बार में कटेगा। टोटल एलसीएम 75 40 25 का क्या होगा? 600 होगा। ठीक है, 40 से काटोगे तो 15 बार में और 25 से काटोगे तो 24 बार। ठीक है, ये एलसीएम रिस्पेक्टिव निकल के आ गया। जब तक सवाल में ना बोले कि इस बंदे ने इतना दिन काम किया और उसके बाद छोड़ दिया, फिर इस बंदे ने इतना काम किया छोड़ दिया, तब तक हमें यही मान के चलना है कि शुरू से लेके अंत तक जो है तीनों ने काम किया, शुरू से लेके अंत तक सभी ने काम किया है, तीन रहे चार रहे सब। ठीक है, लेकिन अगर सवाल में बोल दे कि इस बंदे ने इतना दिन काम किया छोड़ दिया, फिर दूसरा बंदा आया, फिर ये हुआ, मतलब ये हमें स्पेसिफिक मालूम रहे, तब हम लोग टाइम का यूज करेंगे, एल्स हम लोग इफिशियंसी के रेशियो पे सॉल्व करके निकल जाएंगे, बस खत्म हो गया कहानी। ठीक है, अब तुम सीधा सीधे यहाँ पे देखो, अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो पूछूं अजय विजय और प्रदीप का, तो अजय का 8 विजय का 15, 8 और 15 कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। प्रदीप कितना हो गया? 1 हो गया, क्योंकि टोटल 24 है, 23 में 24 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अब सिंपल सा एक चीज यहाँ पे समझो, सिंपल सा, कुछ खास नहीं, 18 15 23। ठीक है, सिंपल सा एक चीज यहाँ पे समझो, तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला है, हाउ मच शुड प्रदीप गेट फॉर दिस वन, प्रदीप को कितना मिलेगा? अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट रहता है तो जिस रेशियो में इफिशियंसी रहता है उसी रेशियो में क्या होता है, वेजेस बढ़ता है। ठीक है, तो वेजेस बांटना है ना, कौन सा वेज है हमारा, 480 ही है, तो 480 को बांटना है, किसके लिए चाहिए? प्रदीप के लिए चाहिए ना, तो टोटल देखोगे 15 8 और 1 24, इसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रदीप इस रेशियो में हमें किसे बांटना है, इस रेशियो में हमें बांटना है 480 रुपए को, तो मैं पूछूं एक प्रदीप का शेयर क्या होगा, तो 1/24 और गुने में कितना, 480, 24 से कट गया कितना बार में, 20 बार में, यानी प्रदीप को जो मिलेगा वो कितना रुपया मिलेगा, 20 रुपया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे के सवालों में मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे हम लोग का टाइम भी स्पेसिफिक हो। ठीक है, अगला ही सवाल है, पहले इस सवाल को एकदम बिना किसी डाउट के क्लियर कर लो कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, शुरू से लेके अंत तक तीनों को करना है, इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाल लिया और उसी रेशियो में क्या करेंगे, हमारा वेजेस भी बढ़ जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि टाइम जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम क्या है, कांस्टेंट। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल वही हम, मैंने अभी जो बताया तुम्हें कि मैं स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ए एंड बी अंडर टू का प्रोजेक्ट फॉर ₹54,000, 54,000 में ए और बी ने एक काम किया। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए अकेले काम करता तो 10 दिन में खत्म होता। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, कौन 3 दिन तक काम किया, ए और बी ने 3 दिन तक काम किया। आफ्टर 3 डेज बी वर्क अलोन फॉर 3 डेज, बी अकेले 3 दिन तक काम किया। एंड ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 3 मोर डेज, ए अकेले बचा हुआ काम को जो है कितना दिन में खत्म करता है, 3 दिन। ठीक है, अच्छा मैं इस 10 दिन को छोड़ दो, ये पूरा काम करने में उसे 10 दिन लगते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर डेटा यहाँ पे तुमसे पूछूं
कि ए ने टोटल कितना दिन किया और बी ने टोटल कितना दिन किया, तो तुम क्या क्या निकाल सकते हो, चलो देख थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला, दे वर्क टूगेदर फॉर 3 डेज, मतलब ए ने भी 3 दिन काम किया, बी ने भी 3 दिन काम किया, आफ्टर 3 डेज बी वर्क अलोन फॉर 3 डेज, 3 दिनों के बाद बी अकेले जो है कितना काम कर कितना दिनों तक काम करता है, 3 दिनों तक, 3 दिन तक बी को करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ए अलो फिर एंड ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 3 मोर डेज, 3 और दिन लगे ए को कंप्लीट करने में। ठीक है, कितने दिन लगे, 3 और दिन लगे ए को कंप्लीट करने में, तो 3 दिन और लगा दिए हम लोगों ने ए को कंप्लीट कराने में। ठीक है, अब सिंपल सा एक चीज यहाँ पे समझो कि ए ने 6 दिन तक काम किया और बी ने भी कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया, सिंपल सा यहाँ पे यही निष्कर्ष निकल के आया ना। तो अगर हम ऐसा कुछ लिखें कि ए प्लस बी ने मिल के 6 दिनों तक काम किया, तो कोई तकलीफ हो जाएगी क्या? ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया। अब इसी सवाल में देखो, टोटल वर्क तो ऐसे भी निकल सकता है ना, ए गुने 10, क्योंकि ए की इफिशियंसी है, ए और बी यहाँ रेस्पेक्टिव इफिशियंसी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ने 6-6 दिन तक काम किया, 6 कॉमन ले लिया हम लोगों। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 से काट दो 3 बार में, 2 से काट दो इसे 5 बार में, 5 ए में 3 ए चला जाएगा तो बचेगा 2 ए। ठीक है, और यहाँ से 3 बी इधर चला जाएगा तो ये बच जाएगा 3 बी। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 3 बी, हाँ ए इज इक्वल टू 3, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू 3/2, हम लोग यहाँ पे रेस्पेक्टिव इफिशियंसी लिख देते हैं। बस खत्म हो गया हमारा सवाल, यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, कैसे यहीं पे खत्म हो गया, आप ये चीज सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ मैंने इस डेटा से निकाल लिया कि ए ने भी 6 दिन काम किया है और बी ने भी 6 दिन काम किया है, मतलब फिर से मुझे क्या मिल गया, टाइम कॉन्स्टेंट मिल गया। ठीक है, अगर ये टाइम कांस्टेंट नहीं मिलता, थोड़ा सा इस चीज को भी यहाँ पे समझ लो कि अगर ये टाइम हमारा कांस्टेंट नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते, तो हमारा वेजेस का जो रेशियो होता वो क्या होता, इफिशियंसी इनटू टाइम, मतलब ए की इफिशियंसी 3 और ए ने 6 दिन तक काम किया और बी की इफिशियंसी, ए रेशियो बी निकाल रहा हूं मैं, बी की इफिशियंसी 2 और बी ने भी 6 दिन तक काम किया, ऐसे हम लोग निकाल, तो इफिशियंसी गुने में क्या कर दिया हम लोगों ने टाइम, तो वेजेस देता है सिमिलरली इफिशियंसी और टाइम। अब देखो ये टाइम टाइम तो खत्म हो गया ना, तो वेजेस का रेशियो फिर से वही से हमारा आ गया क्या, 3:2, वही आ गया ना। तो यही चीज मैंने अभी समझाया था वहां पे, टाइम कांस्टेंट वाला लॉजिक, जिसे मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना कि अगर स्पेसिफिक टाइम मालूम रहे, संयोग है यहाँ पे सिर्फ कि ये 6 दिन और 6 दिन स्पेसिफाई हो गया, आगे के सवालों में तुम्हें मिल जाएगा, और भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा कि कैसे स्पेसिफाई नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्पेसिफाई करके भी समझा दिया कि अगर स्पेसिफाई, अगर ये मान लो 6 दिन होता और ये 5 दिन होता, तो यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे ये 5 लिखा था इस 6 के जगह। ठीक है, और तब वो जाके क्या निकलता है, वेजेस का रेशियो निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए ने सिर्फ 6 दिन तक काम किया, उसके इफिशियंसी के हिसाब से उतना ही पैसा मिलना है, बी ने 5 दिन तक काम किया, उसके इफिशियंसी के हिसाब से उतना ही पैसा मिलना है। ठीक है, अब यहाँ के बाद तो खत्म हो गया, 54,000 है, किसका पूछ रहा है, देख लो जरा सा, बी का शेयर पूछ रहा है, तो बी का शेयर क्या हो जाएगा, 2/5 और गुने में टोटल कितना है भैया, 54,000, 5 से काट दो 5 से कटेगा कितना बार में, 108,000। ठीक है, 2 से गुना कर दो 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 216,000, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 216,000, दैट्स इट। टाइम एंड वर्क में ये भी एक टाइप होता है, ठीक है, सारा वेरिएंट है, ठीक है, सिमिलर नहीं मिलेगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल, तुम्हें ये चीज, ये फॉर्मूला याद होगा, MDH मसाले, ठीक है, बटे में वर्क 1, M2 D2 और H2 बटे में वर्क 2, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, अब सिंपल सा देखो इस सवाल को भी, कितना चुटकियों में अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है और तुमने पहला वाला पॉइंट समझ लिया है कि टोटल वर्क जो होता है वो वेजेस के बराबर होता है, टोटल वेजेस के बराबर, देखो कितना चुटकियों में, ठीक है, 18 मैन 5 दिन में 360 रुपए कमाते हैं, मैं ऐसे बोलता हूं, 18 मैन 5 दिन में 360 काम करते हैं। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं, 18 मैन 5 दिन में 360 काम करते हैं। ठीक है, तो देखो 18 मैन 5 दिन में 360, अरे भैया वर्क इज इक्वल टू व्हाट, वेजेस, तो मैं यहां वर्क बोलूं या वेजेस बोलूं क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाउ मच मनी विल 15 मैन 15 आदमी
कितना कमाएगा कितने दिनों में, 9 दिन। तो 15 आदमी 9 दिनों में कितना कमाएगा, मैंने बोल दिया एक्स कमाएगा, हो गया ना खत्म। अब इसमें कुछ जान रह गया क्या, मैं कोई एक चीज समझा दो जरा सा, कहीं कोई जान नहीं रह गई हो, काटते चले जाओ। 9 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 3 बार, ठीक है। 2 से कट गया 18, 180 गुने 3 होता है 540, हो गया आंसर एक्स की वैल्यू 540। यानी कि 15 आदमी 9 दिन में कितना कमाएगा, 540 रुपए का। दैट्स इट, इतना ही तो करना था ना हमारा यहाँ पे, कि वर्क जो होता है वो क्या होता है, वेजेस के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। ए स्किल्ड, अ हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, भैया बहुत बड़ा बड़ा नाम है, इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको मैं बोलता हूँ सी, ठीक है। स्किल्ड, हाफ स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क फॉर 7, 8 and 10 days, काम किया, काम को खत्म नहीं करता है अकेले, काम किया 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन, ये कंफ्यूजन मत पालना, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, ऐसा जब मिलता है हमारा वर्क फॉर, तो वेजेस के में ही ऐसा सवाल मिलता है, तो 7, 8 और 10 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं 500 साल, ये बहुत गलत है, ये कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। इन्होंने काम किया है, अभी हम लोग पिछले सवाल में देखा था ना, ए और बी ने 6 दिन तक काम किया, ए ने 6 दिन तक काम किया, बी ने 6 दिन तक काम किया, वही ये काम है। ए स्किल्ड आदमी ने 7 दिन तक, हाफ स्किल्ड जिसको बी बोल रहा है उसने 8 दिन तक, अनस्किल्ड ने 10 दिन तक काम किया, ठीक है। दे टूगेदर गेट 369 फॉर देयर वर्क, दोनों को मिला, तीनों को मिला के 369 रुपए मिलते हैं, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ देयर ईच डे वर्क, मतलब क्या हो गया हमारा इफिशियंसी, इफिशियंसी का रेशियो उनका मालूम है हमें, क्या मालूम है, 1/3 ratio 1/4 ratio 1/6। इसे ही हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 12 ले लेंगे तो 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार, इफिशियंसी का रेशियो निकल गया क्या हमारा। अब हमें क्या करना है, बोल रहा है हाउ डज द ट्रेंड लेबरर गेट, ट्रेंड किसको बोलेंगे भैया, स्किल्ड वाले को ना, पहले वाले का ना निकालना है, ये स्किल्ड वाला जो है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने ए से इंडिकेट करा है, ठीक है, मतलब ये वाले पार्ट का निकालना। अब बोलोगे क्या इफिशियंसी में डायरेक्ट बांट दे, नहीं, यहाँ पे इफिशियंसी पे डायरेक्ट नहीं बांटेंगे, मैंने अभी जो बताया था स्पेसिफिक टाइम जो मिलेगा हम लोगों को, देखो स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड एक और सवाल है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम अगर हमें मालूम है कि इस बंदे ने ये 4 efficiency वाला 7 दिन किया है, इस 3 efficiency वाले ने 8 दिन किया है, और इस 2 efficiency वाले ने 10 दिन किया, तो हमारा वेजेस का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 7 efficiency × समय, 3 × 8 2 × 10, ये होगा हमारा बात, छाट दो, ठीक है। 4 × 8 2 और यहाँ से 2 उठा लोगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी क्या दे दिया हमारा, 7 ratio 6 ratio में, और यहाँ पे क्या हो गया 5, इस रेशियो में मुझे ये 369 रुपीस को क्या करना है बांट, ठीक है। किसका निकालना था मुझे, ट्रेंड वाले का, यानी 7 वाले का, तो 7 × 7 + 6 + 5 × कितना 369, ठीक है। 7 × 6 = 5 कितना होगा, 18 होगा। 9 से काट दो 2 बार में, 9 से 4 और 1 = 41, मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 287/2, उम्मीद करते हैं 143.5 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, हो गया ट्रेंड लेबर। बस स्पेसिफिक टाइम का देखना है, अगर यही बोलता कि तीनों ने बराबर बराबर समय तक काम किया तो इसी रेशियो में बांट देते हम लोग पैसे, ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूँ मैं क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी पीछे डाउट होगा तो अब उम्मीद करता हूँ मैं कि पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो क्लियर होते जाए तो एक बार कमेंट करके भी बता देना कि हाँ क्लियर हो गया। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो हमारा क्या, ठीक है, एक और इसी टाइप का क्या बोल रहा है हमारा सवाल में। ए बी सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 529, 529 रुपए में ए बी सी को एम्प्लॉय कर दिया गया काम करने के लिए। ए एंड बी टूगेदर सपोज टू डू 19/23 ऑफ द वर्क, ए और बी को यह एज्यूम किया गया कि टोटल काम का 19/23 जो है ए और बी करेगा, ठीक है, ए और बी करेगा, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर 8/23, और ऐसा एज्यूम किया गया कि बी और सी जो है कितना करेगा, 8/23 करेगा, ठीक है, ठीक है, बी और सी भी करेगा। तो बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट शुड ए बी पेड, ए को कितना पे किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा एक चीज देखो कि अगर मैं बोलूं कि मेरा टोटल वर्क जो है वो 23 है, ठीक है,
ठीक है, वो टोटल वर्क क्या है 23 है। अब सिंपल सा एक चीज समझो कि ए और बी ने 19 बटा 23 काम किया है, तो 19 बटा 23 का 23 करोगे तो ये क्या देगा 19 देगा, सिमिलरली ये क्या देगा 28 देगा। अच्छा ये 23 जो दे रहा है सम हाउ ये ए प्लस बी प्लस सी को ही ना रिप्रेजेंट कर रहा है 23। देखो तो जरा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 23 काम को उन्हें क्या करना है, और इस 23 काम के लिए ही उन्हें क्या मिलना है 529 रुपये। मतलब जो बंदा जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिल जाएगा। अगर हम इंडिविजुअली यह निकाल लें कि जो बंदा जितना काम करेगा तो उसे क्या होगा उतना पैसा मिलेगा, सिंपल है ना कि भैया उसने इतना काम किया मैं उसे उतना पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो अब काम निकालते हैं, थोड़ा इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, ऐड करके मैं यहां लिख देता हूं ए बी एंड बी 2b और प्लस में सी, 19 और 8 जोड़ेंगे तो ये 27 देगा। अगर मैं दोनों को घटा दूं तो सारा जगह से दुनिया जहान खत्म होके ये b की वैल्यू मुझे 4 मिल जाएगी, और b की वैल्यू मैं जब इस वाले इक्वेशन में रखूंगा तो a की वैल्यू मुझे जो है वो 15 मिल जाएगी। हो गया खत्म। तुमने अभी बोला कि टोटल वर्क जो होता है वो पैसे से रिलेटेबल होता है, कर दो रिलेट। 23 की वैल्यू 529 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 23 के बराबर, 23 का स्क्वायर ही है ना 529 बटे 23, तो 15 की वैल्यू निकाल दो, 23 गुने में कितना 15, यही है ना 15 * 3 = 45 का 5, 4 हाथ में 15 * 2 = 3 और 4, 345 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर। सिंपल सा, यहां से एक और नया चीज तुमने क्या सीखा कि अगर मुझे किसी भी तरीके से ये मालूम हो जाए कि किस बंदे ने कितना काम किया, कोई नया चीज नहीं है, ध्यान से समझो, किस बंदे ने कितना काम किया कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम से ही तो निकलता है। मैं वहां उतनी देर से एफिशिएंसी इनटू टाइम लिख रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा सवाल है, मैं डायरेक्ट कर दिया, जब जैसा तब तैसा। ठीक है, तो काम और इफिशियंसी जो होता है वो आपस में क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं। ठीक है, चल एक और सवाल, चलो देखो इस सवाल में क्या, द वेजेस ऑफ 10 मैन एंड 8 बॉय अमाउंट्स टू 37। 10 आदमी, एक आदमी का अगर मैंने बोल दिया m रुपया कमाता है तो 10 आदमी कितना कमाएगा 10 m, और एक लड़का अगर b रुपया कमाता है तो 8 लड़का कितना कमाएगा 8 b, हो गया 37 रुपये। फिर क्या बोला देखो, इफ 4 मैन टूगेदर रिसीव ₹1, मैं इसका ना एक शॉर्टकट बताऊंगा कि ये इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अगर कोई दूसरा सवाल आता है जहां पे ऐसा नंबर्स बड़े होते हैं तो उस पोजिशन पे क्या करोगे। ठीक है, तो मैं उसके लिए भी तुम्हें प्रिपेयर करा दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, इफ 4 मैन टूगेदर रिसीव, 4 आदमी को मिला के कितना रुपया ज्यादा मिल रहा है, 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है, देन 6 बॉयज, 6 बॉयज से 1 रुपये ज्यादा मिलता है। तो बताना है व्हाट आर द वेजेस ऑफ ईच मैन एंड ईच वाई, मतलब हमें एम एंड बी की वैल्यू निकालनी है। अगर इस सवाल में भी, इसी पर्टिकुलर सवाल में, मैं नहीं बोल रहा हूं हर सवाल ऐसे आसान हो सकता है, इस पर्टिकुलर सवाल में भी अगर तुमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो फिर समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, क्यों नहीं सॉल्व करूंगा मैं, एक चीज समझ, इन दोनों का अंतर मुझे लाना है 1। मैं तो ये ऑप्शन से भी पुट कर सके, देख सकता हूँ ना, या गौर फरमा तो मैं बी में आता हूँ पहले, या उल्टा चलता हूँ, 6 * 4 = 24, और यहाँ पे 4 * 6 और यहाँ 6 * 5, 24 और 30 का अंतर कहीं से भी 1 नहीं होगा। सिमिलरली 4 * 3 और 6 * 5 का भी, 6 * 4 का भी अंतर लिख देता हूँ मैं, 4 * 3 और 6 * 4 का भी अंतर, 4 * 3 = 12 और 6 * 6 = 24, 1 रुपया नहीं है, ये तो कतई हो ही नहीं सकता है। अगर इसमें भी अगर तुम ऐसे लिखवा रहे हो मेरे से, तुम्हें जरा भी मेरे पे दया नहीं आएगी। ठीक है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब बचा नन ऑफ दीज और ऑप्शन नंबर ए, अगर ए नहीं हुआ तो नन ऑफ दीज हो जाना है हमारा। ठीक है, चलो ये चेक करते हैं, 4 * 2 - 6 * 1.5, 4 * 2 = कितना होगा, 4 * 2 = 8 और 2 = 10, 10 - 6 * 1.5 कितना होगा, 6 और 3 = 9, आ गया 1 रुपया,
दूसरा होने का सवाल ही नहीं होता। अगर मिल गया तो नन ऑफ दिस कहीं से होगा क्या? एल्स जिनको ये इक्वेशन सॉल्व करने का मन है आप सॉल्व कर लीजिए, मेरे को कोई मन नहीं है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। और इस पर्टिकुलर सवाल के लिए मैं ये आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हमारा सवाल जो है ये इस तरीके से बनना है, ये चीज को निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड चलो एक और सवाल को मैं दिखाता हूं। देखो स्पेसिफिक टाइम से क्या बोल रहा है, अंशु कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, मतलब अंशु का एग्जैक्ट टाइम मुझे मालूम है, 16 दिन में काम को खत्म कर दिया। इफिशियंसी ऑफ रघु इज 4/5 ऑफ दैट ऑफ अंशु, किसका, रघु का, अंशु का 4/5 है। तो मैं अगर अंशु का 5 बोल दूं उसकी इफिशियंसी है तो इसका 4/5 ये क्या हो जाएगा, 4 इफिशियंसी शायद निकल के आ गया मेरा। बोथ स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है, दोनों ने काम शुरू किया। अच्छा यहाँ से सबसे पहले टोटल वर्क अगर मैं बोलूँ दिमाग में तो 16×5 टोटल वर्क दिख रहा है क्या? सीरीज जो हम लोग का 5-6 पार्ट आया बन के, उसमें मैंने बताया था ना इफिशियंसी इनटू टाइम टोटल वर्क होता है हमारा, ठीक है। तो टोटल वर्क मेरा 16×5 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, दोनों ने मिलकर कुछ काम किया, कितना काम किया, कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक। तो 5×4 9, 9 के एफिशिएंसी से उन लोगों ने 4 दिन तक काम किया। उसके बाद कौन छोड़ दिया, अंशु छोड़ दिया। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, अंशु छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, रघु करेगा ना, तो रघु ने कुछ एक्स दिनों तक काम किया, ठीक है। पहले रघु ने कितना दिन तक काम किया हम लोग ये निकालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो 9 यहाँ से 4, 4 और यहाँ से 4 कर दो, 5×20 में 19 चला गया, 9 चला गया तो बच गया 11, ठीक है। अब यहां से मैं तुमसे पूछूं रघु ने कितना दिन काम किया और अंशु ने कितना दिन काम किया, तो मुझे जरा सा बता दो। देखो स्टार्टिंग में दोनों ने 7 काम किया, तो 4 दिन रघु ने भी किया, 4 दिन अंशु ने किया, अंशु उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। अंशु आया कि नहीं आया ये नहीं पता, लेकिन रघु चल रहा था और रघु ने चलते हुए कितना दिन तक काम किया, 11 दिनों तक और काम किया, मतलब रघु ने टोटल 11 दिन तक, मतलब रघु ने इतना दिन काम किया और अंशु ने इतना दिन काम किया। अब क्या बोल रहा है सवाल में, They got a total wages of ₹1,680. 1680 रुपए का टोटल वेज मिला, अंशु को कितना मिलेगा ये बताना है। वेजेस का रेशियो चाहिए ना, तो वेजेस कैसे निकलता है, किसका निकाल रहे हैं, रघु का अंशु से। रघु की इफिशियंसी 4 और उसने 11×4 15 दिनों तक काम किया, ये 15 दिन, ठीक है, रेशियो में। अंशु की इफिशियंसी कितनी, अंशु की इफिशियंसी 5, उसने कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक, हो गया। 5 से कितना बार में, 3 बार में, 4 और 4 खत्म, क्या रेशियो निकल के आ गया, 3:1 का। किसका निकालना है हमें, अंशु का निकालना है, 1/4 इसी रेशियो में ना बटेगा मेरा पैसा, कितना पैसा है, 1680, कितना रुपया आ गया, ऑप्शन नंबर बी 420, खत्म हो गया सवाल नंबर, ठीक है। तो इफिशियंसी से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी तरीके, 2 ही 3 तरीके का सवाल है, उसको बस सीधा सीधी समझ लो और वर्क से रिलेट करना सीख दो, 2 ही 3 तरीके का सवाल, उसी में कुछ डेटा इधर कुछ डेटा उधर ऐसा चलता रहेगा, ये तो उसकी उसका चलना ही है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और जाते जाते अपने दोस्तों को थोड़ा व्हाट्सएप पे शेयर करके भी चले जाना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।